हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंजेक्शन पर और कंजेक्शन से रिलेटेड क्लास 12th के बोर्ड की एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कंजेक्शन क्या होते हैं। जो शब्द या शब्द समूह जो किसी फ्रेज, क्लॉज या कोई सेंटेंस को आपस में जोड़ती है उसे हम कहते हैं कंजेक्शन। अब ये जितने भी कंजेक्शन है ये 12th बोर्ड के एग्जाम के सिलेबस में है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो। इन सब पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एंड। एंड का मतलब होता है और। अब इसमें हम दो टाइप लेते हैं, जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट समान हो, यानी दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट समान हो और उसको हमें एंड से जोड़ना हो। जैसे यहाँ पे हमने ली ज्योति बाजार गई, तो ज्योति वेंट टू द मार्केट, उसने सब्जियां खरीदी, सी बॉट वेजिटेबल्स। अब यहाँ देखिए ज्योति है और यहाँ सी लिखा है, तो ये एक लड़की है, लड़की के लिए सी का यूज हो रहा है, तो यहाँ ज्योति की ही बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट दोनों एक ही है, ये बात क्लियर होना चाहिए आपको। इस तरह से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्योति लिखा है, मैं यहाँ पे ज्योति भी लिख सकता था लेकिन मैंने सी लिखा है ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। अब इसका रूल्स देखिए क्या है। फर्स्ट सेंटेंस का फुल स्टॉप हटाकर एंड लगा दो। ये देखिए पहला सेंटेंस क्या था, ज्योति वेंट टू द मार्केट, ऐसे कैसे लिख दिया, इसका फुल स्टॉप हटाया और एंड लगा दिया। फिर क्या है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हटाकर बाकी सेंटेंस लिख दो, इसका यहाँ सी था हमने हटा दिया, बाकी सेंटेंस क्या है, बॉट वेजिटेबल्स, तो वैसे के वैसे लिख दिया। इस प्रकार हमने एंड कंजेक्शन लगा करके ये जो हमने कंप्लीट सेंटेंस बना दिया, तो इसका मीनिंग हुआ ज्योति बाजार गई और सब्जियां खरीदी। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा भाई स्कूल से आया, माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम स्कूल, वह खाना खा रहा, ही इज टेकिंग फूड, ठीक है। मेरा भाई है, उसकी बात हो रही है, तो इसके लिए हम ही का यूज करते हैं, आपको पता है सिंगुलर के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा नियम, ये ऐसे कैसे उतार दो, फुल स्टॉप की जगह एंड लगा दो। माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम स्कूल एंड, यहाँ सब्जेक्ट हटा दो, बाकी कैसे कैसे लिख दो, इज टेकिंग फूड, इज टेकिंग फूड, और एंड से हमने जोड़ दिया, मेरा भाई स्कूल से आया है और खाना खा रहा है। देखिए कितना सिंपल है। ये कंडीशन कब थी, जब सॉरी जब सब्जेक्ट हमारा सेम हो, यानी सिमिलर हो। दूसरा हम लेते हैं एंड में, जब हमारे जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो, असमान हो। क्या है देखिए एग्जाम्पल, ज्योति एक लड़की है, ज्योति इज ए गर्ल, और दूसरा है सुमन एक लड़की है, सुमन इज ए गर्ल। सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ ज्योति है और यहाँ सुमन है। रूल्स क्या कहता है, दोनों सब्जेक्ट के बीच एंड लगा दो, ये लो ज्योति और दूसरा सब्जेक्ट सुमन, दोनों के बीच में हमने एंड लगा दिया। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो वर्ब हमारी होगी वो प्लूरल होगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ज्योति सिंगल लड़की की बात थी, सुमन भी सिंगल, अब यहाँ ज्योति एंड सुमन ये कंबाइंड हो गए, तो यहाँ इज की जगह क्या आएगा, आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो लास्ट में नाउन आएगा वो भी हमारा कैसा होगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा, यहाँ एक लड़की की बात थी गर्ल हो गई, अब ये दो लड़कियां हो गई तो गर्ल्स हो जाएगी। क्लियर है, ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रवि जयपुर जा रहा है और अंकित जयपुर जा रहा है, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ रवि है और यहाँ अंकित है। करना क्या है आपको, दोनों सब्जेक्ट के बीच एंड लगा देना है, रवि एंड अंकित, ठीक है। वर्ब प्लूरल हो जाएगी, इज की आर, फिर ऐसे कैसे, गोइंग टू जयपुर। अब देखिए यहाँ फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वाला वो है नहीं, तो हमें प्लूरल जयपुर को तो हम लिख ही नहीं सकते प्लूरल, ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा आता है बोथ एंड, इसका मतलब होता है और दोनों। यहां भी दो कंडीशन, पहली जब सब्जेक्ट हमारे समान हो। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, ज्योति बुद्धिमान है, ज्योतिष इंटेलिजेंट, और ज्योति सुंदर है, ज्योतिष ब्यूटीफुल, यानी सब्जेक्ट समान है, यहाँ भी ज्योति और यहाँ भी ज्योति। रूल्स क्या है, दोनों सेंटेंस जहां तक समान है वो लिख दो और उसके बाद बोथ लगा दो। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस समान है, ज्योति इज और ज्योति इज, यहाँ तक सेम है, हमने लिख दिया ज्योति इज,
फिर बोथ लगा दिया रूल्स के अकॉर्डिंग, या दूसरे नंबर पे बोथ लगा दिया। अब क्या है, अब पहले सेंटेंस का शेष भाग लिख दो और एंड लगा दो। पहले सेंटेंस का शेष भाग क्या है, इंटेलिजेंट, ये लिख दिया और अब एंड लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस का बाकी भाग लिख दो, क्या है बाकी, ब्यूटीफुल। तो ज्योति इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, यानी ज्योति बुद्धिमान और सुंदर दोनों है। इस तरह से हमने बोथ एंड कंजेक्शन का यूज कर दिया। वह एक लेखक है और वह एक शिक्षक है। ही इज ए राइटर, ही इज ए टीचर। सब्जेक्ट दोनों का समान है, ही है। आपको बोथ एंड का यूज करना है। देखिए पेपर में लिखा आएगा आपको किसका यूज करना है, वो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, दोनों सेंटेंस में जो सेम है ही इज तक लिख दो, ठीक है, फिर बोथ लगा दो। फिर क्या है, पहले सेंटेंस का बचा हुआ भाग ए राइटर, ये लिख दिया, फिर एंड लगा दो। दूसरे का क्या है, बचा हुआ भाग ए टीचर लिख दिया। देखिए कितना आसान है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। ये मैंने जो लिख रखा है यहाँ ब्रैकेट में, इस रूल्स को समझिए, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा, बोथ एंड जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, असमान हो। देखिए कैसे, ज्योति के पास एक गाय है, ठीक है, ज्योति हैज ए काऊ। सुमन के पास एक गाय है, सुमन हैज ए काऊ। सब्जेक्ट यहाँ अलग अलग है, आपको यूज करना है बोथ एंड का। क्या है रूल्स, बोथ प्लस फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो। हमने लिख दिया शुरू में बोथ, फर्स्ट सेंटेंस ज्योति, इसका सब्जेक्ट लिखती है यहाँ पे। इसके बाद एंड लगाओ और सेकेंड सेंटेंस लिख दो। एंड लगा दिया और दूसरा सेंटेंस क्या है, हैज ए का, सॉरी सुमन हैज ए काउ। तो सुमन, अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि वर्ब यहाँ प्लूरल होगी तो यहाँ ज्योति और सुमन आ गए दोनों, तो हैज की जगह पे हैव का यूज होगा और लास्ट में नाउन है वो भी प्लूरल होगी, काउ की जगह काउज आ जाएगा। क्लियर है, तो बोथ ज्योति एंड सुमन हैव काउज, ज्योति और सुमन दोनों के पास गाय हैं। क्लियर है, जब हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट हो। नेक्स्ट देखिए, ज्योति वॉलीबॉल खेल रही है, ठीक है, और सुमन वॉलीबॉल खेल रही है। सब्जेक्ट अलग अलग है, ज्योति और सुमन। रूल क्या है, सबसे पहले बोथ लिखो, लिख दिया, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो, ज्योति लिख दिया, एंड लगा दो, बाकी जो है दूसरा सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दो, सुमन, ठीक है, सुमन लिख दिया। फिर लेकिन बात हुआ थी वर्ब हमारी प्लूरल होगी तो इज की जगह पे आर आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्लेइंग वॉलीबॉल, ठीक, क्लियर। तो बोथ ज्योति एंड सुमन आर प्लेइंग वॉलीबॉल, देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब है न केवल बल्कि, पहली कंडीशन जब सब्जेक्ट समान हो। ज्योति बुद्धिमान है, ज्योति इज इंटेलिजेंट और ज्योति सुंदर है, ज्योति इज ब्यूटीफुल। रूल्स देखिए, दोनों सेंटेंस जहां तक समान है लिख दो, कहां तक समान है, ज्योति इज लिख दिया। इसके बाद नॉट ओनली लगा दो, लगा दिया नॉट ओनली। अब पहले सेंटेंस का शेष भाग लिख करके बट आल्सो लगा दो, शेष क्या है, इंटेलिजेंट, इसके बाद बट आल्सो लगा दिया, और दूसरे सेंटेंस का बाकी भाग लिख दो, क्या है, ब्यूटीफुल हो गया। तो ज्योति इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल, ज्योति न केवल बुद्धिमान है बल्कि सुंदर भी है। कंडीशन कब, जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो, समान हो। दूसरा ले, दिक्षु क्रिकेट खेल रही है और दिक्षु टीवी देख रही है। सब्जेक्ट सेम है, यूज करना है नॉट ओनली बट आल्सो का। करो, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट जहां तक सेम है, कहां, दिक्षु इज और दिक्षु इज लिख दो, दिक्षु इज, फिर नॉट ओनली लगा दो, लगा दिया। इसके बाद पहले सेंटेंस का शेष भाग लिख दो, प्लेइंग क्रिकेट लिख दिया, बट आल्सो लगा दो, लगा दिया। दूसरे सेंटेंस का शेष भाग वॉचिंग टीवी, तो दिक्षु इज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी, दिक्षु न केवल क्रिकेट खेल रही है बल्कि टीवी भी देख रही है। तो जो आपको सेंटेंस दिए होंगे उसी में ही सब कुछ हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप रूल समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन नॉट ओनली बट ऑल्सो की, जब सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट हो। देखिए क्या है, शिक्षक खेल रहा है, द टीचर इज प्लेइंग, और लड़के खेल रहे, द बॉयज आर प्लेइंग। क्या करोगे, सबसे पहले नॉट ओनली लगा करके फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दो, लगा दिया नॉट ओनली, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द टीचर लिख दिया। इसके बाद बट आल्सो लगाओ और सेकंड सेंटेंस लिखो, लिख दिया बट आल्सो, और सेकंड सेंटेंस क्या है,
द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या, वर्ब यहां पे जो होगी दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब बट आल्सो के बाद जो आप सेंटेंस लिखोगे उसमें जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार आपको यह वर्ब लगानी है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां वर्ब लगेगी। ठीक, तो द बॉयज तो यहां आर लग गया, ठीक है। अब दूसरा आप समझिए, आपके डाउट क्लियर करता हूं मैं। इसको देखिए आप, ज्योति वॉलीबॉल खेल रही है, सुमन वॉलीबॉल खेल रही है, कैसे बनाओगे? देखिए यहां पे क्या है, नॉट ओनली लगाओगे, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ज्योति, फिर बट आल्सो, और फिर दूसरे सेंटेंस को उतार दोगे, तो सुमन इज प्लेइंग वॉलीबॉल, तो सुमन इज प्लेइंग वॉलीबॉल। एक चीज ध्यान रखना, आप ये मत करना कि ये ज्योति भी आ गया सुमन आ गया तो हम आर लिख दें, नहीं, यहाँ पे कंडीशन यही है आपकी, जो आपका बट आल्सो के बाद यानी जो सेकंड सेंटेंस आप लिखोगे उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लिखनी है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल आएगा, सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर आएगा, चाहे ये हमारा यहाँ प्लूरल हो और यहाँ सिंगुलर हो तो ये सिंगुलर के अनुसार ही वर्ब आएगी, क्लियर है। इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है वर्ब दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा, जो बट आल्सो के बाद आप लिखोगे, क्लियर। चौथा हम लेते हैं आइदर और। अब देखिए इंग्लिश में हम इसे आइदर भी बोलते हैं और इधर भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप इधर बोलो या आइदर बोलो, दोनों ही सही है। इसका मतलब होता है या तो या फिर, यानी दोनों में से कोई एक, क्लियर। और ये पहली कंडीशन ले रहे हैं जब सब्जेक्ट हमारा समान हो। समझिए इसको, ज्योति एक पत्र लिख रही है और ज्योति एक कहानी लिख रही है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, ज्योति है, पत्र लिख रही है और क्या लिख रही है, कहानी लिख रही है। इसको समझिए, रूल्स क्या है, दोनों सेंटेंस जहां तक समान हो वो लिख दो, लिख दिया, कहां तक, ज्योति इज राइटिंग, यहां तक सेम है तो ज्योति इज राइटिंग लिख दिया, उसके बाद इधर लगा दो, लगा दिया इधर। अब पहले सेंटेंस का शेष भाग क्या है, ए लेटर, लिख दिया, अब और लगा दो, ये लगा दिया, और दूसरे सेंटेंस का बाकी भाग क्या है, ए स्टोरी, लिख दिया। तो ज्योति इज राइटिंग इधर या आइधर, ए लेटर और ए स्टोरी, ज्योति या तो एक पत्र लिख रही है या फिर एक कहानी, यानी दोनों में से कोई एक काम कर रही है, तो इधर या आइधर और का मतलब दो में से कोई एक के लिए, क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल, दीक्षु क्रिकेट खेल रही है, दीक्षु टीवी देख रही है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है, तो दोनों सेंटेंस जहां तक सेम है लिख दो आप, कहां तक, दीक्षु इज तक, फिर आइदर लगा दो, फिर पहले सेंटेंस का शेष भाग प्लेइंग क्रिकेट, फिर और लगा दो, अब दूसरे का शेष भाग वॉचिंग टीवी, तो दीक्षु इज आइदर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी, दीक्षु या तो क्रिकेट खेल रही है या फिर टीवी देख रही है। नेक्स्ट, आइदर और का दूसरा पार्ट है जब सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हो। देखिए लड़के खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग, और शिक्षक खेल रहे हैं, द टीचर इज प्लेइंग, क्या लिखोगे? सब्जेक्ट अलग अलग होने पर सबसे पहले आइदर लिखो और फिर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया आइदर, फर्स्ट सेंटेंस द बॉयज लिख दिया, इसके बाद और लगाओ और सेकेंड सेंटेंस लिख दो, तो और लगा दिया और सेकेंड सेंटेंस क्या है, द टीचर इज प्लेइंग, द टीचर इज प्लेइंग, कंडीशन वही है, वर्ब हमारी दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होगी। दूसरा सेंटेंस हमने क्या लिखा, द टीचर इज प्लेइंग, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी टीचर के साथ इज। अब ये मत देख लेना कि यहाँ पे द बॉयज प्लूरल है तो हमें आर लगाना है, नहीं लगाना, यही तो बात है, और के बाद आप जो सेंटेंस लिखोगे दूसरा उसके सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लिखनी है, तो द टीचर सिंगुलर है तो इज का यूज होगा। ज्योति वॉलीबॉल खेल रही है, सुमन वॉलीबॉल खेल रही है, देखिए लगा दो इधर, फिर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ज्योति और फिर सेकंड सेंटेंस सुमन इज प्लेइंग वॉलीबॉल, सेकंड सेंटेंस क्या है, सुमन इज प्लेइंग वॉलीबॉल, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, इज ऐसे कैसे आ गई, क्लियर। नेक्स्ट हमारा पांचवा कंजक्शन है नाइदर नॉर, जिसे हम निदर नॉर भी कहते हैं, इसका मतलब न तो और नहीं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। पहली कंडीशन जब सब्जेक्ट समान हो, देखिए हमारे पास एग्जांपल है, ज्योति पत्र नहीं लिख रही, ज्योति इज नॉट राइटिंग ए लेटर, और ज्योति कहानी नहीं लिख रही है, ज्योति इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी,
दोनों में सब्जेक्ट हमारा समान है, ज्योति है। क्या है इसका रूल्स? देखिए दोनों सेंटेंस जहां तक समान हो लिख दो और नॉट को हटा दो। सेंटेंस समान कहां तक है? ज्योति इज नॉट राइटिंग, ज्योति इज नॉट राइटिंग, लेकिन नॉट को तो आपको हटाना है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आप लिख दो ज्योति इज राइटिंग। इसके बाद क्या है? निदर या नाइदर लगा दो, लगा दिया निदर। फिर क्या है? अब पहले सेंटेंस का शेष भाग लिख करके नॉर लगा दो, लगा दिया ए लेटर शेष भाग लिख दिया और नॉर लगा दिया। अब दूसरे सेंटेंस का बाकी भाग लिख दो, लिख दिया क्या है ए स्टोरी, तो ये स्टोरी लिख दिया। पांचवा रूल्स क्या है मैं दूसरे एग्जाम्पल में समझाऊंगा। तो ज्योति इज राइटिंग नाइदर या निदर ये लेटर नॉर ये स्टोरी। ज्योति न तो पत्र लिख रही है और नहीं कहानी, यानी दोनों में से कोई काम नहीं कर रही है। अब दूसरा सेंटेंस लो आप, दिक्षु नहीं खेलती, दिक्षु डज नॉट प्ले, और दिक्षु नहीं पढ़ती, दिक्षु डज नॉट रीड। इसको समझिए आप क्या है। देखिए दोनों में सेम कहां तक है? दिक्षु डज नॉट और दिक्षु डज नॉट। नॉट को आपको हटाना ही है, लेकिन अब पांचवा रूल्स देखिए, डू डज डिड प्लस नॉट हो तो उसको हटा दो और वर्ब को उस टेंस के अनुसार बदल दो। क्लियर? तो यहाँ पे डज नॉट और डज नॉट, अब आपको पता है डज नॉट जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, और डिड होता तो पास्ट इंडेफिनेट का जो है नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डू डज की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या ईएस लगता है वर्ब में, और डिड नॉट होता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती। क्लियर है टेंस के अकॉर्डिंग? तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो कॉमन कहाँ तक है? दिक्षु, फिर नाइदर या निदर, फिर शेष बचा हुआ भाग प्ले, तो प्लेज हो जाएगा, ठीक है दिक्षु के अकॉर्डिंग, और फिर नॉर, और फिर दूसरा भाग क्या बचा इसमें सेंटेंस में? रीड, तो ये भी रीड्स हो जाएगा क्योंकि वर्ब है। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, इसलिए मैंने कहा ये पांचवे रूल्स को आप ध्यान से समझें। नेक्स्ट हमारा देखिए निदर नॉर का दूसरा पार्ट है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसे हो, डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो, क्या करेंगे हम? देखिए लड़के नहीं खेल रहे, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग, शिक्षक नहीं खेल रहे, द टीचर इज नॉट प्लेइंग। सबसे पहले आप निदर या नाइदर लगा दो और फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दो, और इसमें जो नॉट आया वो हट जाएगा। लिख दिया निदर, फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट द बॉयज लिख दिया, अब नॉर लगा के सेकेंड सब्जेक्ट लिख दो, सॉरी सेकेंड सेंटेंस नॉर लगा दिया, सेकेंड सेंटेंस क्या है? द टीचर इज नॉट प्लेइंग, तो नॉट तो हट ही जाएगा, तो द टीचर इज प्लेइंग। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ब हमारी दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होगी। दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा? जो नॉर के बाद आएगा। क्या आया? द टीचर इज प्लेइंग, द टीचर इज प्लेइंग। अगर ये हम बाद में लिखते हैं द बॉयज आर, तो फिर यहाँ आर आता। तो ये ही ध्यान रखना है कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगानी है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। तो क्या हुआ? नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्लेइंग, न तो लड़के और न ही शिक्षक खेल रहे, यानी दोनों में से कोई नहीं खेल रहा है। ज्योति वॉलीबॉल नहीं खेलती और सुमन वॉलीबॉल नहीं खेलती, ज्योति डज नॉट प्ले वॉलीबॉल, सुमन डज नॉट प्ले वॉलीबॉल। क्या है? सबसे पहले निदर, फिर फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट ज्योति, फिर नॉर, फिर दूसरा सेंटेंस तो सुमन, ठीक है। अब डज नॉट हटी जाएगा यहाँ पे, इससे पहले मैंने बताया था, इसकी जगह क्या आएगा? सुमन सिंगुलर है तो टेंस के अकॉर्डिंग प्लेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंगुलर है, प्लेज आ गया, फिर वॉलीबॉल। क्लियर? तो निदर ज्योति नॉर सुमन प्लेज वॉलीबॉल, न तो ज्योति और न ही सुमन वॉलीबॉल खेल रही है, यानी दोनों में से कोई नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट है एज वेल एज, इसके मतलब होता है के साथ साथ, के अलावा या के अतिरिक्त, जब सब्जेक्ट हमारा समान हो। देखिए क्या है? ज्योति बुद्धिमान है, ज्योति इज इंटेलिजेंट और ज्योति सुंदर है, ज्योति इज ब्यूटीफुल। फर्स्ट सेंटेंस लिख करके एज वेल एज लगा दो। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ज्योति इज इंटेलिजेंट, फिर एज वेल एज, और अब जो है सेकेंड सेंटेंस का शेष भाग लिखना है। कौन सा? ये जो कॉमन पार्ट था ना ज्योति, ज्योति इसको छोड़ करके शेष क्या है? ब्यूटीफुल। तो ये ऐसे कैसे लिख दो? क्लियर है? तो ज्योति इज इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटीफुल, ज्योति बुद्धिमान के साथ साथ सुंदर भी है, यानी ज्योति बुद्धिमान के अलावा सुंदर भी है। वह लंगड़ा है, ही इज लैम, वन द ही इज ब्लाइंड। क्या करोगे? देखिए कॉमन कहां तक है? फर्स्ट सेंटेंस, या डायरेक्टली हम कहें फर्स्ट सेंटेंस का है ही इज लैम, ही इज लैम लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे एज वेल एज लगाओ और सेकंड सेंटेंस का बचा हुआ भाग ही इज तक तो हो ही गया था इसमें, तो ब्लाइंड बचा है यानी ब्लाइंड आप लिख दो, ही इज लैम एज वेल एज ब्लाइंड, वह लंगड़ा है और साथ ही साथ अंधा भी है। नेक्स्ट क्या है एज वेल एज का दूसरा पार्ट, जब सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट यानी अलग अलग हो। देखिए ज्योति अनुपस्थित है, ज्योति इज एबसेंट और सुमन अनुपस्थित है, सुमन इज एबसेंट, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ ज्योति और यहाँ सुमन है। अब रूल्स क्या है, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया ज्योति है यहाँ पे लिख दिया, फिर एज वेल एज लगा के सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो, एज वेल एज लगा दिया सेकेंड का सब्जेक्ट सुमन यहाँ लिख दिया। अब फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद वाला भाग लिख दो, ये रहा क्या है एबसेंट, लिख दिया एबसेंट बस, क्योंकि दोनों में सेम ही होगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ब जो होगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ब क्या होगी एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला सब्जेक्ट क्या है ज्योति, सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ इज आ गया, ठीक है, तो ज्योति एज वेल एज सुमन इज एबसेंट, ज्योति साथ ही साथ सुमन भी अनुपस्थित है। इसको समझिए, मैं जयपुर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर जा रहा है, ही इज गोइंग टू जयपुर। देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आई लिख दिया, फिर एज वेल एज और सेकेंड सब्जेक्ट का सॉरी सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या लिखोगे, ही लिख दिया, ठीक है। अब बाकी का जो भाग है वो आप लिख दोगे, फर्स्ट सेंटेंस का क्या है गोइंग टू जयपुर लिख दिया। एक चीज ध्यान रखना, एम आया यहाँ पे जबकि यहाँ ही है, रूल क्या है वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी, पहला सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के साथ एम लगता है, क्लियर, यहाँ ही है तो इसका मतलब इज नहीं लगाना आपको, आई के साथ आपको एम, क्योंकि ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, एज वेल एज में यही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दो या आल दो, इसका मतलब होता है यद्यपि हालांकि तथापि तो भी फिर भी, ये अपोजिट सेंस यानी विरोध दर्शाते हैं, विपरीतता को दर्शाते हैं, कॉन्ट्रास्ट को दर्शाते हैं। इसका रूल्स क्या है, वह गरीब है ही इज पुअर, वह खुश है ही इज हैप्पी। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस हमारे एक दूसरे के विपरीत होंगे, देखिए वह गरीब है ही इज हैप्पी फिर भी वह खुश है, ठीक है, क्या है इसका रूल्स, देखिए सबसे पहले दो या आल दो लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही है, लिख दिया दो या आल दो दोनों में से, फर्स्ट सेंटेंस लिखो ही इज पुअर लिख दिया, कॉमा लगा दो लगा दिया, और दूसरा सेंटेंस उतार दो ही इज हैप्पी, बहुत सिंपल है, शुरू में दो आल दो लिख दो, पहला सेंटेंस उतारो कॉमा लगाओ और दूसरा सेंटेंस उतार दो, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस दो या आल दो लगाना है, हालांकि वह गरीब है फिर भी खुश है, वे अच्छा खेले दे प्लेड वेल, वे मैच हार गए दे लॉस्ट द मैच। अब देखिए दोनों सेंटेंस विपरीत है, वो अच्छा खेले फिर भी हार गए, ठीक है ना, अब क्या होगा दो या आल दो लगा दो, पहले जो सेंटेंस है इसको उतार दो दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल कॉमा लगा दो, सेकंड सेंटेंस उतार दो दे लॉस्ट द मैच, दे लॉस्ट द मैच, तो हालांकि वे अच्छा खेले फिर भी वो मैच हार गए, तो दो या आल दो दे प्लेड वेल दे लॉस्ट द मैच, दोनों में से आपको एक लगाना है, मैंने यहां दोनों क्योंकि यहां आपको ऑब्लिक करके दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यट, यट का मतलब होता है फिर भी या के बावजूद, ये भी विरोध को ही दर्शाता है। अब देखिए आप ही इज पुअर वह गरीब है और ही इज हैप्पी वह खुश है, इसमें आप क्या करोगे, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, सबसे पहले पहला सेंटेंस लिख दो ही इज पुअर, फिर कॉमा लगा दो, फिर यट लगाओ और दूसरा सेंटेंस उतार दो ही इज हैप्पी, इस तरह से आपको यहाँ लिख देना है, वे अच्छा खेले दे प्लेड वेल, वे मैच हार गए द लॉस्ट द मैच, मैंने वही एग्जाम्पल ले लिया आल दो वाला, क्या करोगे पहला सेंटेंस उतारो दे प्लेड वेल कॉमा यट लगाओ, दूसरा सेंटेंस लिख दो दे लॉस्ट द मैच, वे अच्छा खेलने के बावजूद भी मैच हार गए, ठीक है, तो रूल्स भी हमारा यही कहता है, फर्स्ट सेंटेंस लिखो कॉमा लगाओ यट लगाओ और दूसरा सेंटेंस उतार दो। नेक्स्ट है व्हाइल यानी जबकि या जब, ये यूज किया जाता है जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो। देखिए मैं टीवी देख रहा था, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, वह सो रहा था ही वॉज स्लीपिंग। अब क्या करना है इसमें, देखिए फर्स्ट सेंटेंस लिख दो, पहला सेंटेंस क्या है आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, फिर वाहिल लगा दो और सेकेंड सेंटेंस लिख दो, वाहिल लगा दिया सेकेंड सेंटेंस क्या, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी,
वाहिल ही वॉज स्लीपिंग, मैं टीवी देख रहा था जबकि वह सो रहा था। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल लो, वह बाहर चली गई, सी वेंट आउट, उसकी माँ खाना पका रही थी, हर मदर वॉज कुकिंग फूड। ठीक, क्या करोगे? पहला सेंटेंस उतारो सी वेंट आउट, वाहिल लगाओ और दूसरा सेंटेंस उतारो हर मदर वॉज कुकिंग फूड, और बीच में वाहिल लगा ही दिया, वह बाहर चली गई जब या जबकि उसकी माँ खाना पका रही थी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वाहिल जो है कंटिन्यूअस टेंस से पहले लगाते हैं सामान्यतः। देखिए यहाँ पे ये भी एक सेंटेंस आया, ये भी, लेकिन वाहिल का यूज ये कंटिन्यूअस है ना, वाज कुकिंग, तो इसके पहले हमने लगाया है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है सो दैट, इतना या इतनी की। अब इसका यूज हम क्या करते हैं, टू और टू को हटाने के लिए करते हैं। टाइप वन पहले हम देख लेते हैं क्या कहता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल, ज्योति इज टू वीक टू वॉक। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, टू और टू को हटाने के लिए सो दैट का यूज करते हैं। क्या करोगे? देखिए सबसे पहले टू के स्थान पर सो लगाओ, ठीक, तो इसको लिख दो आप ज्योति इज, और इस टू की जगह पे सो लगा दो, लगा दिया, ठीक है। फिर टू के बाद वाले वर्ड लिख दो, क्या था, वीक, ये लिख दिया ऐसे जैसे। फिर टू के स्थान पे दैट लगा दो, ये टू आया इसके स्थान पे दैट लगा दो, ठीक। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट लिखो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट देखो कैसे लिखना आपको, सब्जेक्ट आई वी यू ही सी दे ये लिखना है। अब यहाँ क्या था, ज्योति, ज्योति एक लड़की है तो उसके लिए सब्जेक्ट होगा सी, हमने सी लगा दिया, ठीक है। अब टेंस के अनुसार यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट लिख दो, तो ये प्रेजेंट है, इज आया है, ठीक है ना, तो अब हमने लिख दिया कैन नॉट, और फिर शेष सेंटेंस लिख दिया वॉक ऐसे कैसे, ज्योति इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती, तो ज्योति सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। एक और एग्जाम्पल लो, ही वॉज टू टायर्ड टू डू एनी वर्क। अब देखिए ही वॉज यहां तक लिख दिया, टू की जगह पे सो लिख दिया, टायर्ड अगला ऐसे कैसे उतार लिया, टू की जगह पे दैट लिख दिया, ही यहाँ सब्जेक्ट है ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में प्रोनाउन है, आ गया जगह। अब यहाँ पे देखिए वॉज आया है यानी पास्ट में है, तो यहाँ कैन नॉट की जगह आपको कुड नॉट लिखना पड़ेगा, फिर बाकी का ऐसे कैसे, डू एनी वर्क, डू एनी वर्क, वह इतना थक गया कि कोई काम नहीं कर सका। टाइप टू समझिए अब आप, टाइप टू सो दैट के लिए क्या है टाइप टू। देखिए पहले एग्जाम्पल देखो, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर रवि टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक ध्यान रखना, फॉर जरूर आएगा इसमें, टाइप टू में यही है, वहां तो टू और टू ही था, यहाँ पे फॉर जरूर आएगा। क्लियर? अब रूल्स क्या है, देखिए टू के स्थान पे सो लगाओ, देखिए द लेसन इज यहां तक उतार लोगे, टू के स्थान पे सो लगाओ, बाकी का ये जो पार्ट है ये भी आप लिख दोगे, ठीक है, लिख दिया, टू के बाद वाले वर्ड लिख दो, हमने डिफिकल्ट लिख दिया। अब फिर फॉर के स्थान पे डेट लगाना, आप ये फॉर है यहाँ पे डेट लिख दिया, ठीक है, फिर फॉर के बाद प्रोनाउन या नाउन जो भी है, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में बदलना है ना, या फॉर के बाद नाउन हो तो उसे लिख दो, या नाउन ही है रवि तो रवि हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद टू को हटा करके अब इज आया है कंटिन्यूअस में, तो कैन नॉट आ जाएगा, क्योंकि कैन नॉट लिख दो, शेष भाग लिख दो अंडरस्टैंड वैसे के वैसे आ गए। यदि लास्ट में इट या देम हो तो उसको हटा दो, इसमें दिया नहीं है कोई बात नहीं है, पाठ इतना कठिन है कि रवि समझ नहीं सकता, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट रवि कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब इसको समझिए आप, यहाँ पे पूरे रूल्स आपको क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन वाज ऐसे कैसे उतार दो, टू की जगह पे सो लिख दो, अगला पार्ट क्या डिफिकल्ट वैसे उतार दो, फोर की जगह पे दैट लगा दो। अब यहाँ क्या आया, अस, हमारा रूल्स क्या था कि ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव केस में बदलना है, तो यहाँ आप देखिए मैंने पूरी सारणी ये बना रखी है आपकी प्रोनाउन की, ये सब्जेक्ट है और ये उनके ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये उनके ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, अस, अस क्या है ऑब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वी। सेंटेंस हमारा वाज आया यानी पास्ट में है तो कुड नॉट लगा देंगे, और ये सॉल्व ऐसे कैसे लिख देंगे। अंत में क्या था कि अगर इट और देम हो तो हटा दो, या इट आया इसको हम हटा देंगे, हो गया रूल्स के अकॉर्डिंग। तो
प्रश्न इतना कठिन था कि हम हल नहीं कर सके। द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट वी कुड नॉट सॉल्व। बहुत सिंपल है। इसमें टाइप थ्री और है सो दैट में, वो क्या है? देखिए, वह बहुत धीरे दौड़ता है, ही रन्स वेरी स्लोली, और वह दौड़ नहीं जीत सकता, ही कैन नॉट विन द रेस। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, आप या तो वेरी आएगा या क्वाइट इसमें आएगा, ठीक है? तो यहाँ वेरी आया है, अब क्या करोगे? देखिए, वेरी या क्वाइट के स्थान पे सो लगा दो, लगा दिया, ही रन्स वेरी की जगह पे सो और स्लोली लिख दिया, ठीक है? अब फुल स्टॉप के स्थान पे दैट लगा दो, ये फुल स्टॉप को हटा के दैट लगा दो और दूसरा सेंटेंस लिख दो, ही कैन नॉट विन द रेस, ही कैन नॉट विन द रेस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है टू और टू, इतना या इतना की। अब इसमें हमें क्या करना है, जब सब्जेक्ट हमारा समान हो तब क्या होगा? पहले ये देखो आप, देखिए, ज्योति बहुत कमजोर थी, ज्योति वाज वेरी वीक, वह तेज नहीं दौड़ सकी, ही कुड नॉट रन फास्ट। रूल्स क्या कह रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में वेरी या मच को हटा दो और टू लगा दो, लगा दिया, तो ज्योति वाज वेरी को हटा के टू लगा दो, लगा दिया, ठीक है? अब फर्स्ट सेंटेंस का शेष भाग लिख दो, वीक बचा था लिख दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में कैन नॉट और कुड नॉट तक का भाग हटा दो, तो यहाँ पे सी कुड नॉट, यहाँ तक का भाग हटा दिया। अब क्या करो, टू लगा दो और शेष भाग लिख दो, शेष क्या है? रन फास्ट, ये लिख दिया हमने, रन फास्ट। ज्योति वाज टू वीक टू रन फास्ट, ज्योति इतनी कमजोर थी कि तेज नहीं दौड़ सकी। ये लो, वह बहुत थक गया है, वह काम नहीं कर सकता, ही इज मच टायर्ड, ही कैन नॉट डू वर्क। क्या था रूल्स? सेंटेंस में वेरी या मच को तो हटा दो, तो ही इज लिख दिया, फिर मच की जगह टू लगा दिया हमने, लगा दिया। अब फर्स्ट सेंटेंस का शेष वाक्य है टायर्ड, लिख दिया, ठीक है? सेकंड सेंटेंस में कैन नॉट तक हटा दो, हटा दिया, टू लगा दिया, और बाकी बचा क्या है? डू वर्क, टू वर्क ऐसे कैसे लिख दिया। देखिए, बहुत सिंपल है। दूसरा क्या है टू और टू का, जब सब्जेक्ट कैसा हो, असमान हो, डिफरेंट हो। देखिए, गणित बहुत कठिन है, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, मैं इसे हल नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सॉल्व इट। दोनों में सब्जेक्ट अलग है, यहाँ मैथमेटिक्स है और यहाँ पे आई यानी मैं हूं। क्या है रूल्स? फर्स्ट सेंटेंस में वेरी मच को हटा दो, टू लगा दो, तो मैथमेटिक्स इज वेरी को हटा दिया, टू लगा दिया, और फर्स्ट सेंटेंस का शेष भाग लिख दिया, क्या है? डिफिकल्ट। अब यहाँ पे क्या है, फॉर प्लस नाउन, अगर नाउन है तो फॉर लगा के नाउन लिख दो, अगर प्रोनाउन है तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है। अभी इससे पहले मैंने लिस्ट बताई थी वो, तो आई यहाँ सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, लिख दिया फॉर लगा करके, ठीक। अब कैन नॉट या कुड नॉट को हटा करके टू लगा दो, इसको हटा दिया, टू लगा दिया। अब शेष बचाओ वाक्य सॉल्व, ये लिख दिया, और इसमें इट या देम आया तो इसको हटा देंगे, तो ये यहाँ से हमने हटा दिया। तो गणित इतनी कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता, मैथमेटिक इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। बहुत अंधेरा, इट इज वेरी डार्क, हम कुछ नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी एनीथिंग। चेंज करो, सबसे पहले इट इज लिख के वेरी के स्थान पे टू, फिर पहले सेंटेंस का बचा हुआ भाग डार्क, फिर फॉर लगा देंगे, लगा दिया। यहाँ पे क्या है, वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, अस लिख दिया, कैन नॉट हटा देंगे, टू लगा देंगे, बाकी का भाग सी एनीथिंग, सी एनीथिंग लिख देंगे। इतना अंधेरा है कि हम कुछ नहीं देख सकते। अब आपके लिए मैंने एक्सरसाइज दे दी है, यहाँ पे आपको ये एंड कंजेक्शन जोड़ के सेंटेंस बनाना है, बोथ एंड, नॉट ओनली, ये सारे यहाँ दिए, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो कैसे भी, लेकिन मुझे फटाफट कमेंट्स में लिख करके भेज दो कि इसका ये आंसर है, हमने कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता कंजेक्शन के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।